नमस्कार, जोहार, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं समाचार आज तक। कोरैया प्रखंड के अंतर्गत बागमारा पंचायत के हरला गांव में वृक्षारोपण में योजनाएं तो धरती पर ला दिया है, किंतु जल की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण सभी वृक्ष मरने पर मजबूर हैं। आपको बता दें, हरला के ग्रामीणों ने इस योजना के लाभुकों ने बताया कि हमें वृक्षारोपण के बाद जल की सुविधा वृक्ष को देने के लिए किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण सभी वृक्ष एक के बाद एक मर रहे हैं। हमने उन सभी लाभुकों से बातचीत करते हुए देखा, उस वृक्ष की पानी के अभाव में काफ़ी परेशानियां नजर आ रही थी। उसी बीच बागमारा पंचायत के मनरेगा कर्मी रोजगार सेवक जी से फोन पर वार्तालाप करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे द्वारा प्रखंड मुख्यालय से जो भी प्रक्रिया था हमने कर दिया है। उस बागवान में कुआं निर्माण का तो हमने कूप निर्माण भी कर दिया है, और कूप निर्माण के लिए हमने जियो टैग कर दिए। जियो टैग करने के बाद हरला के ग्रामीणों ने अभी तक कूप निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है। वहीं मुखिया बागमारा पंचायत से संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि हरला ग्राम में वृक्ष को पटवन के लिए जो प्रखंड मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय तक हरला ग्राम में कूप निर्माण का कार्य करने पर हरला ग्राम के ही लोगों ने विलंब कर रहे हैं और हम उन पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। बागमारा पंचायत के हरला ग्राम में करीबन 10 एकड़ में बागवानी का कार्य मनरेगा के तहत किया गया है। उसी बीच बागवानी के चारों साइड में ड्रेन का भी कार्य किया गया है। उसी ग्राम के ठेकेदार द्वारा ड्रेन की कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है। गोड्डा से मनोज ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवचरण सोरेन। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि वृक्ष लगा के अभी मर रहा है पानी के बिना। पानी के बिना मर रहा है? हाँ। तो आप पटवन खुद नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पटवन का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है यहाँ। तो इसकी जानकारी आपने किसको दिए है? रोजगार सेवक को ही। और किसी को दिए हैं? नहीं। तो रोजगार सेवक क्या बोला आपको? वो कुआं देंगे। कुआं देंगे? हाँ, अभी तक कुआं दिया नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शेखर हंसदा। तो क्या वृक्षारोपण कराने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यहाँ हो रहा है जो यहाँ कुआं का सुविधा नहीं है, वृक्षारोपण तो हो गया है, तो यहाँ पानी का कमी के कारण यहाँ सब वृक्ष मर रहा है। हम लोग उसको पानी देने के लिए कुछ उपाय नहीं कर पा रहे। तो इसकी जानकारी आपको किसको बताया आपने? ये तो मनरेगा की ओर से काम हो रहा है। नहीं, आपका वृक्ष जो मर रहा है जी, तो पानी का व्यवस्था करने के लिए आपकी ने किसको बताया? ये तो पानी का व्यवस्था जो योजना आया था कि नरेगा से काम होगा, हम लोग को पहले बताया गया था कि यहाँ काम होगा, आपका कुआं आएगा, कुआं का व्यवस्था होगा, फिर कुआं ना हो तो पानी का व्यवस्था होगा, तो इसके लिए यहाँ वो ये कोड़वाए हैं। कौन बताया इसी बात को? कौन बताया? ये रोजगार सेवक। रोजगार सेवक के क्या नाम है? तो नाम तो नहीं जानते हैं, विवेक जी हैं। और यहाँ टैंक भी कुड़वाया गया है सब जगह, लेकिन टैंक में पानी नहीं है, तो हम लोग को समस्या आ रहा है, हम कैसे बचाएंगे। ऐसे आपके गांव में कितने एकड़ का वृक्षारोपण किया गया है? यहाँ जैसे मेरा निजी ही अपना है, 2 एकड़ में लगा है, और सब ग्राम मैंने पूरा ग्राम में कम से कम 10 बीघा यानी वही 5 एकड़ से ज़्यादा। ऐसे आपके गांव में कितने लाभुक का नाम से वृक्षारोपण किया गया? यहाँ 10 लाभुक के नाम से वृक्षारोपण किया गया है।